Hi guys, welcome back to my channel. How are you guys doing? I hope you guys are keeping well. It's been a week since I filmed my last video and थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा, तबीयत थोड़ी सी सही नहीं चल रही है. बट आज के वीडियो में आई वॉन्ट टू गेट रेडी विद यू गाइज जस्ट टू अपलिफ्ट माई मूड. थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाए उस टाइप का मेकअप कर रही हूँ. कुछ ज़्यादा नहीं, बस सिंपल सा, जस्ट टू ब्रिंग सम ब्राइटनेस एंड कलर टू माई फेस. बहुत सिंपल सा एक एवरी डे टाइप का मेकअप करने वाली हूँ. एंड थोड़ा सा ना आज मेरा बूजी मेकअप से खेलने का मन कर रहा था, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला मेकअप अपना यूज़ कर रही हूँ. एंड आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रिंग लाइफ टू माई फेस. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो. एंड बिफोर दैट, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑलरेडी, प्लीज डू लाइक एंड my videos and yeah, let's get started with today's video. सबसे पहले let's prime the face. उसके लिए I'm taking my Laura Mercier foundation primer. जरा सा लेकर I'm going to apply it all over my face just to add a nice radiance and glow to my face. This one is a radiant primer and adds such a nice and a very healthy glow to the face. Simple सा, dewy सा, glowy सा makeup look करने वाली हूँ just to feel better. फाउंडेशन के लिए आई वॉन्ट टू मिक्स टू फाउंडेशन बिकॉज सर्दियाँ हैं. सर्दियों में मेरा कम्प्लेक्शन हल्का सा लाइट हो जाता है, तो जो गर्मियों वाले मेरी फाउंडेशन होती है ना, वो यूजुअली मैच नहीं करती हैं. सो आई नीड टू मिक्स इन अ टैड बिट ऑफ अ लाइटर फाउंडेशन टू मेक देम वर्क फॉर मी. पहले आई एम टेकिंग माई YSL टू शिकलाट ऑल इन वन ग्लो फाउंडेशन इन द शेड B47 एंड आई एम मिक्सिंग इन अ टाइनी बिट ऑफ माई गिरलान लॉन्जरे डेपो BB क्रीम इन द शेड BB2 लाइट. यू कैन सी डार्क वाली YSL है और लाइट वाली गिरलान है. दोनों को अच्छे से मिक्स करके आई एम गोइंग टू डॉट इट ऑन माई फेस एंड देन ब्लेंड इट आउट विद माई ब्यूटी स्पॉन्ज. एंड फाउंडेशन ब्लेंड करने से पहले मैं अपनी कलर करेक्टिंग भूल गई थी, तो आई एम टेकिंग माई सेफोरा बेस्किन एवर कंसीलर इन द शेड नंबर 37 एंड सिर्फ अपने अंडर आइज पे और आइज के अराउंड लगा रही हूँ, जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन है. And now I'm going to blend out my foundation. So guys, what is your comfort food? जब आप लोगों का मूड सही नहीं होता है, तबीयत सही नहीं होती, एक कम्फर्ट फूड होता है ना जिसको खाकर आप बेटर फील करते हैं, आपको बड़ी खुशी सी मिलती है उसको खाकर. What is your comfort food? My comfort food has been Maggie throughout my life. I have been loving Maggie religiously since I don't even remember how long. I think since my childhood I've been loving Maggie. आज की डेट में भी अगर मेरा मूड ठीक नहीं होता है, मेरी तबीयत सही नहीं होती ना, Maggie is the only comfort food that makes me happy. मैं मैगी से इतनी ऑब्सेस थी ना, I used to have a Maggie every day and then I had to restrict myself. I had to stop myself. So I made a rule for myself. कि हर 15 दिन में एक बारी खाऊंगी. वो 15 दिन 10 दिन हो गया, अब वो एक हफ्ता चल रहा है आजकल. तो आई हैव मैगी एवरी वीक, वंस अ वीक, एंड आज मेरा मैगी डे है. सो आई एम गोइंग टू हैव मैगी इन द इवनिंग. नाइस, फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड आउट हो गया है. कंसीलर के लिए आई एम टेकिंग माई पैट मैकग्रा स्किन फेटिश सबलाइन परफेक्शन कंसीलर इन द शेड L7 एंड वही अपने यूजुअल वाले एरियाज पे लगाने वाली हूँ, अंडर आइज पे और आइज के आसपास और सेंटर ऑफ द फेस पे, जहाँ पे मुझे थोड़ी सी ज़्यादा कवरेज चाहिए होती है. मैगी मुझे इतनी प्यारी है ना कि जब मैं मैगी खाने के लिए बैठती हूँ ना, आई स्ट्रिक्टली टेल एवरीबडी टू नॉट डिस्टर्ब मी फॉर दोज 15-20 मिनट्स दैट आई एम हैविंग माई मैगी. रात को खाऊंगी या फिर शाम में खाऊंगी एंड आई नीड टू वॉच समथिंग टू एंजॉय माई मैगी. ना फ्रेंड्स हैज बीन माई कम्फर्ट टीवी शो फॉर एवर नाउ. मैं मैगी खाते हुए फ्रेंड्स ही देखती हूँ, चाहे मैं कोई और सीरीज देख रही हूँ उस वक्त, बिंज वॉच कर रही हूँ, पर मैगी खाते हुए तो मुझे फ्रेंड्स ही चाहिए. आज मैं सारे के सारे क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ, सो सेट करने से पहले आई डू द रेस्ट ऑफ माई फेस मेकअप. फर्स्ट आई एम टेकिंग माई हुडा ब्यूटी टेंटोर कंटोर एंड ब्रॉन्जर क्रीम इन द शेड लाइट. बहुत टाइम हो गया इसको यूज़ किए हुए, बेचारा खो जाता है मेरे मेकअप कलेक्शन में एंड आज मैंने सोचा यही यूज़ कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया. आई एम गोइंग टू पिक इट अप विद माई ब्रॉन्जर ब्रश एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट जस्ट इन द एरियाज दैट आई यूजुअली ब्रॉन्ज ऑन माई फेस. ज़्यादा सा पिकअप हो गया, तो पहले इसको डॉट कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे मैं लगाती हूँ, उसके बाद ब्लेंड आउट कर लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा. ये इट्स अ प्रिटी पिगमेंटेड प्रोडक्ट, सो यू नीड अ वेरी टाइनी अमाउंट, अदरवाइज यू कैन गो वेरी हैवीली ओवरबोर्ड विद दिस. एक ही बार डिप किया था मैंने ब्रश एंड यू कैन सी पूरा फेस अच्छे से कॉन्टूर हो गया इसी से. जो बचा है ना वो मैं अपने आई लिड्स पे भी लगा रही हूँ बिकॉज मैं और कोई एस सच आई शेडो नहीं यूज़ करने वाली हूँ. नेक्स्ट अब ब्लश के लिए आई एम टेकिंग माय YSL न्यू लिप एंड चीक बामी टिंट इन द शेड न्यू फ्लश. बहुत ब्यूटीफुल एक रेड कलर का ब्लश है ये, बट इट्स नॉट सुपर पिगमेंटेड, इट्स अ लिप एंड चीक टिंट, बट इट मेक्स योर स्किन लुक सो हेल्दी एंड फ्रेश. आई मीन आई जस्ट लव 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 दिस प्रोडक्ट फ्रॉम YSL. देखने में एकदम बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड और रेड लगता है, बट वंस यू ब्लेंड इट आउट ना, आई मीन इसके जैसा प्रोडक्ट
और कोई भी नहीं है सच में। जस्ट लुक एट द टेक्सचर एंड इसको मैं चीक्स पे पहले डॉट कर लेती हूँ, फिर मैं इसको ब्लेंड आउट करके दिखाती हूँ। इट जस्ट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। जस्ट लुक एट दैट, इट इज़ ब्लेंडेड इन टू ऑलमोस्ट नथिंग, पर इतना सुंदर एक फ्लश ऑफ कलर देता है ये फेस पे। इट मेक्स योर स्किन लुक सो नाइस एंड हेल्दी एंड फ्रेश। Just look at that color, guys. I absolutely love this blush from YSL. Now highlighter के लिए भी मैं एक liquid highlighter लेने वाली हूँ। I'm taking my Cover FX Custom Enhancer Drops in the shade Rose Gold. Again, it has been so long since I have used this product. So आज निकाल ही लिया कि चलो यही यूज़ कर लेते हैं। I'm going to take it out tad bit on the back of my hand and then apply it on all the high points of my face with my beauty sponge. दिखना कितना सुंदर, ये एक glowing from within type का glow देगा आपके फेस पे। It looks so nice and natural, just like you're glowing from within. It's absolutely beautiful and super 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 stunning. यही हाईलाइटर मैं अपने आईलिड्स पे भी लगाने वाली हूँ थोड़ा सा, जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ यू नो शाइन एंड ग्लो टू माय आईलिड्स, एंड अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर पे भी लगाने वाली हूँ, जस्ट द टाइनीस्ट टाइनीस्ट बिट। सारे फेस प्रोडक्ट्स हो चुके हैं, तो नाउ लेट्स जस्ट सेट द कंसीलर। उसके लिए आई एम टेकिंग माय मार्क जेकब्स कॉम्प्लेक्स पाउडर एंड इन माय पिज्जा पफ आई एम गोइंग टू सेट जस्ट द एरिया जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है। पूरा फेस नहीं सेट करने वाली हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू लुक नाइस एंड ड्यूई एंड ग्लोई। एंड फेस कितना इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना बिना ब्राउज के। लेट मी जस्ट क्विकली गो हेड एंड फिल इन माय आईब्रोज ऑफ द कैमरा एंड आई एम बैक। एंड जस्ट लुक एट द डिफरेंस फिलिंग इन योर आईब्रोज में, कितने अच्छे से आपके फेस को फ्रेम और अपलिफ्ट करती हैं। नाउ आईज पे मैं अपना लैनकॉम का मोंसियोर बिग वाटर प्रूफ मस्कारा लगाने वाली हूँ, जस्ट टू ओपन अप माई आईज इवन मोर एंड टू एड सम लाइफ टू माई आईलैशेस। गाइज फ्रेंड्स के अलावा आजकल मैं क्राउन का सीजन 5 भी देख रही हूँ। आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद द क्राउन, मैंने इसके पहले चारों सीजन देख चुकी हूँ एंड आई वॉज सो ईगरली वेटिंग फॉर द 5th सीजन, एंड अभी मैं 5th वाला सीजन देख रही हूँ एंड इट्स सो इंग्रोसिंग वंस यू वॉच इट। एंड जितने भी फैक्ट्स इन लोगों ने क्राउन में दिखाया ना, आई हैव क्रॉस चेक ऑल ऑफ देम वाया गूगल एंड इट्स रियली fascinating to watch them reenact the history. Now सिर्फ lips रह गए हैं, lips पे I'm going to add a pop of color to you know just make my face look really nice and bright. And for that I'm taking my Dolce & Gabbana Dolce Simo Matte Liquid Lip Color in the shade red. Just look at the packaging, you guys. It's so nice and fun and colorful. I absolutely love the packaging on this lip color. And this red is a bit of a cooler toned red. It's not a red red. It's more of a pinky-ish red. And the formula and everything about this lip color is so amazing. It dries down to be a completely matte and a transfer proof formula, but it is still super 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 comfortable on the lips. It does not just suck the life out of your lips and it stays on so beautifully for the entire day. And that is it guys, we are done with today's video. मेरा मूड ऑलरेडी थोड़ा सा अच्छा हो गया है। आई मीन मेकअप मेक्स मी हैप्पी, मेकअप नो डाउट मेक्स मी हैप्पी, बट पुटिंग ऑन मेकअप व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल स्पेशली यू नो जस्ट लिफ्ट्स अप योर मूड एंड यू नो मेक्स यू फील fresh and you know bright and this makeup look is such a simple makeup look, such a quick makeup look. You can definitely do it on an everyday basis as well and it will just make you look really nice and fresh and bright. I hope you guys enjoy watching my videos. If you do, please like and share my videos and do subscribe to my channel and yeah, I'll see you guys in my next video. Bye bye.